Welcome back. We have some breaking news coming in from Rajasthan. Now, BJP MP from Bharatpur in Rajasthan, Ranjita Kohli, has been allegedly attacked by the mining mafia in Bharatpur, Rajasthan. Now, the MP was returning to Rajasthan from Delhi when the mining mafia allegedly pelted stones at her car. Now, the Bharatpur MP is still on dharna at the site, and her demands are to arrest the accused who attacked her car. रात को आए थे और 150 ट्रक यहाँ खड़े थे और हमने गाड़ी लगाई थी तो वो पीछे से भागने लगे। जब वो अवैध ही नहीं है तो उनको भागने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भागे जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास करा तो मेरी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा था मैं उसमें बैठी हूँ, लेकिन मैं एक मिनट पहले वहाँ पर से उतर गई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरी हत्या करने की कोशिश करी है, मुझे मानने की पुलिस की SP साहब की बात करूँगी। हर बार एक कि आप FIR कर रही है और FIR करने के बाद इतनी इंक्वायरी नहीं होती। आज तक 3 बार मेरे ऊपर हमले हो चुके, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं। एक तरफ तो उनके DGP बोलते हैं कि मुहिम चला रहे बंद करने की, और एक तरफ इनके SP साहब बोलते हैं कि मेरा क्या लेना देना। तो हम लोग जब ये जनता की नहीं सुनेंगे, आम आदमी की, हम सांसद की नहीं सुन रहे, तो ये आम आदमी की क्या सुन पाएंगे। सांसद रंजिता कोहली को जान से मारने की कोशिश की गई। ये वो जगह है जहां पर खनन माफियाओं ने हमला किया, और ये वो गाड़ी है जिसको पत्थरों से पूरी तरह तोड़ा गया, और ये गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सांसद जो रंजिता कोहली हैं, वो उन्होंने गाड़ी से कूद करके जो है अपनी जान बचाई, बाल बाल वो बची हैं। और इस पूरे मामले में करीबन 11:30 और 12 के बीच का ये पूरा घटनाक्रम है। इस दौरान सैकड़ों ओवरलोड ट्रक इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी सांसद रंजिता कोहली दिल्ली से जो है वो भरतपुर आ रही थी, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि किस तरह से ओवरलोड जो ट्रक हैं वो जा रहे हैं, तो उन्होंने ट्रकों को रुकवाया। तभी खनन माफिया बेलगाम हो गए और उन्होंने इनकी गाड़ी पर जो है पथराव कर दिया। ये देखिए किस तरह से हालात जो है गाड़ी की हो गई है, पूरी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का यहाँ पर जो है वो पूरा फेलियर रहा है। उसके पास में जो है धरना चल रहा है, और जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही धरना चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा लगातार वार्ता की जा रही है, और सांसद का कहना है कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया और मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, उनको पकड़ा जाए। और सांसद रंजिता कोहली पर अब तक 4th बार ये हमला हुआ है, और इसमें हर बार जो है पुलिस का फेलियर सामने आया। Alright, now I'm going to be crossing over to my colleague Deepak Puri. You just saw his ground report from that area. दीपक, आप इस सिचुएशन का क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास माइनिंग माफिया के बारे में, और बताओ। देखिए, ऐसा जिस तरह से लगातार भरतपुर में अवैध खनन को लेकर के जो है अलग अलग पॉलिटिक जो है राजनीतिक दल है उनके द्वारा मामला उठाया जाता है, और ऐसे में सांसद रंजिता कोहली भी दिल्ली से भरतपुर आ रही थी, तो रास्ते में उनको जो है करीब 100 से अधिक जो डंपर है वो ओवरलोड जाते हुए दिखाई दिए। तो सांसद ने उनको रुकवाया और वो जो अवैध खनन करके ले जा रहे थे उनको आगे जो है उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई, तो जो माफिया थे खनन माफिया उन्होंने उन पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी पर तावड़तोड़ जो है पथराव किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, और उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ खेतों में जो है कूद करके जान बचाई, और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने सूचना दी, और उसके बाद वो वहीं घटनास्थल पर ही धरने पर बैठ गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ये पूरा आरोप लगाया है, क्योंकि जब उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो पुलिस कर्मियों ने उनकी सुरक्षा करने के बजाय जो ट्रक वहां पर ओवरलोड खड़े हुए थे उनको वहां से निकालना जो है वो शुरू कर दिया। तो उनका कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से यहां पर जो अवैध खनन और ओवरलोड का जो खेल है वो चल रहा है, और लगातार वो धरने पर बैठ गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। देर रात लंबे दौर की वार्ता चली, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहलू उस वार्ता में नहीं निकले। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट ये है आयशा, की जो धरना है वो समाप्त हो चुका है। जिला कलेक्टर द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर जो आरोपी है जिन्होंने जानलेवा उनके ऊपर हमला किया उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो ओवरलोड वाहन चलते हैं अवैध खनन जो होता है उस पर पूरी तरह से जो है लगाम लगाई जाएगी। उसके बाद सांसद ने जो है कामा थाने में जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया है, और उनका कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और ये अवैध खनन ओवरलोड वाहन बंद नहीं होते हैं तो वह इस पूरे मामले को लेकर के दोबारा से जो है धरने पर बैठ जाएंगी। जब इस वक्त धरना वहां पर चल रहा था ऐसा, तो काफी भीड़ वहां पर जो है मौजूद थी, बीजेपी के लोग, तमाम चेहरे ऐसे थे जो वहां पर सांसद रंजिता कोहली के साथ बैठे हुए थे, और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जो है मांग की जा रही थी, और 4th बार ये सांसद रंजिता कोहली पर
जानलेवा हमला हुआ है और उनका कहना है कि हर बार पुलिस द्वारा सिर्फ जांच का हवाला दिया जाता है, अभी भी किसी भी एक भी मामले में पुलिस द्वारा कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसी को लेकर के वो धरने पर बैठ गई। लेकिन अब जिला कलेक्टर द्वारा उनको ठोस आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी आयशा। All right, please stay with us because we're now joined in by Alok Ranjan, who is essentially the DM of Bharatpur. Mr. Ranjan, thank you so much for joining us. Could you please tell us about the situation in connection to the attack on the BJP MP in Bharatpur? I think the situation is as communicated by the Honorable MP, that there was a specific route which Honorable MP is supposed to take, but she somewhat deviated and went on some other route where she could find some trucks carrying some material and try to stop. In between, something must have happened. The vehicle of MP, specifically the front windscreen, there are two stones on the screen and the glass has been broken. None of the occupant of the vehicle, including the Honorable MP, was not in the vehicle. She was on the other side. But the glass was broken and then they made a call to me. Suddenly, I moved to the location. I had a word. They were sitting on a dharna, considering that as you were running the news item, I could hear also that earlier also they were like there was some alleged incident happened. FIR has been registered, and in all these cases, of course, there has been investigation which is police is taking it up on it at state SOG level also. So in this also, I think the assurance which he was seeking is that you know some concrete action should happen. Now, in this particular situation, because it's not a blind case, where there is a vehicle, there is a prima facie evidence available. So, I mean, a direction has been given to the police department. They will be investigating it on priority and maybe in day or two, they will break it. All right, Mr. Alok Ranjan, thank you so much for joining us and giving us an update on the situation and on the investigation as well. I'd also like to thank Deepak Puri for giving us an update. Now,